हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Still slipping place. He goes again. He's making this easy. Wait. Oh, somebody stop him. Oh, yeah. There it is. It's a maximum. And that is victory. Is Leatherhead United can celebrate. कराची का मैदान, नासिफ अली ने रोक लिया पीला तूफान, रॉन्की की भी सुपरहिट परफॉर्मेंस, पीएसएल 3 की चमचमाती ट्रॉफी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ले उड़ी, पेशावर जलमी को 3 विकेटों से शिकस्त, ड्रॉप कैच ड्रॉप मैच। His third. Oh, is it taken? Tom Bowles. More than that. It's an out. He's gone. He's dead. Finger is raised, sir. This is excellent. लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। एक रन बनाकर चल पड़े कामरान अकमल। प्रोफेसर की प्रोफेसरी 8 रन पर गारत। सेमी का भी 6 रन पर धड़न तख्ता। उमैद आसिफ का 0। पेशावर जलमी के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस का हल्ला गुल्ला, शहर शहर जश्न भंगड़े, खुशी में लाल मद्दाहों का सैमी से एक सवाल। हर दम फाइट कर, सबको दिखा दे यहाँ कितना रौला डालेगा। His foot forward and nothing more than that. It's an out. He's gone. He's dead. Finger is raised, sir. This is excellent. Kitna rola dalega. कराची फिर से जी उठा। 9 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार। नेशनल स्टेडियम के बाहर और अंदर रंग ही रंग, क्रिकेट दीवानों का हर चौके छक्के पर दिल लगाकर हल्ला गुल्ला। PSL फाइनल, वजीर आजम बिलावल भुट्टो, गवर्नर और वजीर आला सिंह भी मैच से लुत्फंदोज। DGISPR, DG Rangers भी खेल देखते रहे। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। स्क्रीनें लगाकर PSL का फाइनल देखने का एहतमाम। एक एक गेंद पर शोर शराबा। With disdain, he just lofts him over mid. He. Oh God! Aima Beg Bazi lagakar Razi. National Stadium mein Farhan Saeed, Shehzad Rai ki performance. Strings ke gaane par Sammy Fletcher, Kamran Akmal aur Hasan Ali ka raag. Assalamualaikum, Karachi. Paheragli, kaise ho Karachi? Pakistan zindabad. Jalan Sami ne Lahoriyon ke baad Karachi walon ke bhi dil jeet liye. Jumni ke salam se khush ho gaye awam. Ali Zafar ne ikhtitami takreeb mein siti baja di. ये कराची में पहला इवेंट जो है 9 साल के बाद खुल रहा है और जश्न ईद का मौसम है। वजह यह है कि देखो दोनों टीमों में से जौन सा जीतेगा हमारे लिए दोनों बासे बरकत है। पाकिस्तान जीवे, जीवे!
नाचा पाकिस्तानी पर बुढ़ापे में भी जवानी। पीएसएल फाइनल के लिए जोश और जज्बा काबिले दीद। कराची गोले पर आने वाले पीके की बैटरिया चार्ज। बहुत अच्छा लग रहा है और हमरा तो बैटरिया फुल चार्ज है और भाई हम आ गया हूँ एक कराची गोला में और भाई का दो टीम है पेशावर जलमी और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड। भाई का दोनों टीमें बहुत तेज हैं तो भाई हम जो है ये दोनों टीमें हमरी हैं और हम स्पेशली एक पीएसएल को सपोर्ट कर रहा हूँ। दुनिया न्यूज पर पीएसएल फाइनल की खुसूसी ट्रांसमिशन। ठाकुर की दबंग एंट्री, मजाकरातियों का हाल, सितारों की चाल, आकिब जावेद से तीखे सवाल, सुपर मैच का सुपर धमाल। गैर मुल्की क्रिकेटर्स, हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तानियों का शुक्रिया। मुसल्लत की गई दहशतगर्दी खत्म हो रही है। पीएसएल फाइनल रोशनियों के शहर के लिए मजीद चमक का बायस बना। डीजीआईएसपीआर का ट्वीट। फैसले असेंबलियों में नहीं बाहर हो रहे हैं। 70 साल में जमहूरियत मुस्तहकम न हो सकी, रोज सियासी बहरान पैदा किए जा रहे हैं। फजल रहमान का सखर में खिताब। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। साद रफीक 28 मार्च को नैब लाहौर ऑफिस में तलब। हुकाम ने सलमान रफीक को भी 29 मार्च को बुला लिया। घर के बाहर क्रिकेट क्यों खेली, मेयर हैदराबाद के पुलिस गार्ड का बच्चे पर तशद्दुद, कम सिन लहू लुहान। शिकायत पर मुल्जिम जेरे हिरासत, मोजीन की मुदाखलत पर जमानत। तो कहानी कुछ इतनी थी कि कैच ड्रॉप मैच ड्रॉप, विकेट कीपर कामरान अकमल पेशावर जलमी को ले डूबे। चांस मिलते ही आसिफ अली ने हसन अली को 3 छक्के जड़ दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग 3 की चैंपियन बन गए। तो सुपर मुकाबले में रॉन्की की सुपर हिट परफॉर्मेंस ने सेंचुरी जड़ दी। साहबजादा फरहान के 44 रन, आसिफ अली के छक्कों की हैट्रिक हुई। फाइनल में दिफाई चैंपियन पेशावर जलमी को 3 विकेटों से शिकस्त हो गई। थ्रू आउट अच्छा खेलते रहे, ऐसे में सुपर मुकाबले में रॉन्की की सुपर हिट परफॉर्मेंस देखने को मिली। नेट सेंचुरी जड़ी और कैच ड्रॉप कर दिया कामरान अकमल ने, जो ले डूबे पेशावर जलमी को। ऐसे में चांस मिलते ही आसिफ अली ने हसन अली को 6 नहीं बल्कि 3 छक्के जड़ दिए। जी हाँ, इंटरेस्टिंग मैच था। पेशावर जलमी ने अच्छा कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन जो एक कैच ड्रॉप किया कामरान अकमल ने, उससे मैच का पासा ही पलट गया और चांस मिलते ही 3 छक्के मारे आसिफ अली ने हसन अली को और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग 3 की चैंपियन बन गए। रॉन्की ने शानदार इनिंग्स खेली और अच्छा स्टार्ट दे दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लग ऐसे रहा था कि वन साइडेड मैच होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हदफ दिया गया था 148 रन को बआसानी हासिल कर लेगी, लेकिन उसके बाद विकटें जब गिरना शुरू हुई तो थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई जलमी के फैंस में और उनको लगा ऐसे कि शायद कमबैक कर लिया है जलमी ने, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था जो ड्रॉप हो गया कामरान अकमल से। कामरान अकमल जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस पूरी टूर्नामेंट में, आखिरी मैच में उन्होंने ये वाला कैच ड्रॉप किया जिसकी वजह से पेशावर जलमी बैकफुट पर चलेगी और मौका मिलते ही फिर छक्कों की बारिश कर दी गई इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली की जानिब से। हसन अली जो कि शानदार बॉलर हैं पेशावर जलमी के, उनको 3 लगातार छक्के पड़े और उसके बाद रन ही नहीं रह गए पेशावर जलमी के पास डिफेंड करने के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग 3 का फाइनल जीत कर चैंपियनशिप अपने सर पर सजा ली। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग 3 के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर जलमी को 3 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार पीएसएल टाइटल अपने नाम कर लिया है। दिफाई चैंपियन पेशावर जलमी ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए। पेशावर की जानिब से कामरान अकमल और डेरन सैनी समेत कोई खिलाड़ी नुमाया कारकर्दगी आज ना दिखा सका। क्रिस जॉर्डन 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और आखिरी विकेट पर वहाब रियाज ने 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर टीम का स्कोर 148 तक पहुंचा दिया। ऐसे में इस्लामाबाद की जानिब से शादाब खान ने 3 जबकि समित पटेल और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। कितना रोला डालेगा।
अंग पसंद कौम का जज्बा जीत गया। PSL 3 की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। रोशनियों के शहर में हर तरफ रंगो नूर की बरसात हो गई। या मैच के अख्तितम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। अंग पसंद कौम का जज्बा जीत गया, दहशतगर्दी हार गई, दुश्मनों को शिकस्त हो गई है। आज PSL 3 की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। रोशनियों के शहर में हर तरफ रंगो नूर की बरसात है और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। जीत किसी की भी हो, जीत ये पाकिस्तान की है। हर लब पर यही दुआ थी कि किसी तरह से PSL का फाइनल लाहौर में हो। उससे पहले सेमीफाइनल प्लेऑफ मरहले भी देखने को मिले हमें। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जब बारी आएगी PSL 4 की तो पूरा इवेंट ही पाकिस्तान में इस वक्त किया जाएगा। ऐसे में शानदार कारकर्दगी देखने को मिली पेशावर जर्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। पेशावर जर्मी के कप्तान डैरन सैमी ने पाकिस्तानियों के दिल तो जीते हैं, लेकिन आपको बताएं कि उन्होंने अच्छा खेल भी पेश किया, उनकी टीम हार गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस काफ़ी खुश हैं और सैमी काफ़ी परेशान दिखाई दिए जब आखिरी बॉल पर छक्का पड़ा और वो ये मैच हार गए। आपको बताएं पेशावर जर्मी डिफेंडिंग चैंपियन से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले साल ये जीता था PSL 1 और अब तीसरा PSL भी अपने नाम कर लिया है। आपको बताएं कि सुपर मुकाबले में हमें देखने को मिला, ऐसे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच अपने नाम कर लिया है और यही सवाल कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन सैमी से कि कितना रोला डालेगा। थोड़े थोड़े सर फिरे, थोड़े थोड़े मन चले, सबका जादू। कूल एंड कूल, मिस्टर शहीर खान इज पाकिस्तान्स फर्स्ट माइंड रीडर एंड मिस्ट्री परफॉर्मर। वाओ, मिस्टर फरहान संघानी डायरेक्टर कूल एंड कूल। We've got Mr. Javed Ahmed, MD and CEO, Jubilee Life Insurance. Mr. Chaudhry Zulfikar Ali Anjum, Chairman, Volca Food International, Giggly Boom Boom. Mr. Furkan Ahmed Sayed, General Manager and Vice President, Pakistan and Afghanistan, PepsiCo. Mr. Yunus Pirani, Director, Power Motorcycle. Mr. Malik Bilal, Grandson of Malik Riaz and CEO, Gawada Golf City. Mr. and Mrs. Ali Naqvi, proud owners of Islamabad United. So that makes our presentation party. And now to the awards. May I first of all invite Mr. Malik Bilal, who has announced a special cash award of rupees 5 lakhs to each Islamabad United player and 1 million PKR to the winning captain of